हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप बहुत दिनों के बाद आपको घर की वीडियो दिखेगी। मुख्तसर के ब्लॉग हम अब यहीं एंड करते हैं। अब से हम लोग आपको रोज डेली ब्लॉग दिखाएंगे। आज मोतीनगर भी काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, थोड़ी बारिश जैसी हो रही है। सुबह तो बहुत गर्मी थी। सुबह आज मैं गया था अभी RTO अपना परमानेंट लाइसेंस बनाना है, और मेरा परमानेंट लाइसेंस का पूरा वर्क हो चुका है। अब कुछ टाइम बाद परमानेंट लाइसेंस आ ही जाएगा, उन्हें कह रखा है, मैसेज आएगा, फाइनली मेरा परमानेंट लाइसेंस अब बन जाएगा। थोड़ी देर में गोरबड़ा को जाता हूँ, थोड़ा काम भी है, दीदी के साथ जाऊँगा। अभी दीदी ट्यूशन पढ़ा रही है, उसके बाद 5-6 बजे करीब जाऊँगा अभी गोरबड़ा को, थोड़ा काम है उधर को करके आते हैं। तब तक हमारे आज यहाँ का मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। अब नीचे को चलते हैं, अब बारिश स्टार्ट हो चुकी है, खाली फोन भीग जाएगा। नीचे को चलते हैं, अब बारिश हो गई है। तो अभी हमारा गोरबड़ा जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। अभी हमने घर में खाया अभी पॉपकॉर्न मैंने बनाए थे, दीदी आटा गूंद रही है, और मम्मी और मैंने सेकेंड डोज लगा ली है कोविड की। कोवैक्सीन सेकेंड डोज हमें लग चुकी है, और मम्मी और मैंने लगाई, पर दीदी ने अभी नहीं लगा रखी है। मम्मी को तो अभी आया था फीवर, आया था क्या मम्मी को? फीवर आया था मम्मी को, आया था लेकिन 24 घंटे बाद हल्का सा फीवर आया था। मम्मी आज दिन भर सोई थी, मम्मी अभी सिर में काफी दर्द था, और मैं तो ठीक था पिछले बार की तरह। अभी दी लोगों ने लगाई है, वो बाद में लगाएंगे। अब मोतीनगर में लग नहीं रही, पता नहीं जहां नंबर आएगा वहां लगाएंगे। अब मोटल दू या हल्द्वानी लगेगी। बाहर की लाइट जला देते हैं, अंधेरा हो गया है, लाइट जल चुकी है। अब जलाते हैं छत की लाइट, छत की लाइट जला के आते हैं फटाफट। अभी भी हल्की हल्की बारिश आने वाली है, इसी वजह से हम लोग लाइट जल गई, इसी वजह से हम लोग अभी गोरबड़ा नहीं जा पाए, वरना आज हम गोरबड़ा अभी गोरबड़ा जाने वाले थे। लाइट जल चुकी है, अभी मौसम थोड़ा सही हो रखा है, उतना खास नहीं है मौसम, बारिश ही आ रहा था, बारिश है, गर्मी बहुत थी आज सुबह। बारिश हल्की हल्की चालू ही है अभी, कुछ ज़्यादा नहीं है अभी, अगर बारिश अभी थोड़ी तेज हो जाती तो गर्मी चली जाती। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत टाइम बाद आज हम आपको व्लॉग में हेलो कर रहे हैं, क्योंकि बीच में मेरे इंटरनल चल रहे थे और जो मुक्तेश्वर के कुछ व्लॉग्स थे जो बहुत सारे पेंडिंग रह गए थे उनको कम्प्लीट किया इंटरनल्स के बाद। एडिट के थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि वो बहुत लंबे थे ना, वैक्सीन लगाई और इनने लगाई थी परसों वैक्सीन, तो इन्हें कल आया था फीवर, आज भी फीवर था, कल तो बहुत कम था, आज थोड़ा ज्यादा था, ये सुबह से सोई थी। मुझे फीवर तो कम था लेकिन सिर में दर्द बहुत था, और वो भी 24 घंटे के बाद हुआ। हर्षद को एज यूजुअल पिछले बार भी कुछ नहीं हुआ था, इस बार भी उसे कुछ नहीं हुआ, टचवुड, और फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बहुत लोग की मैसेज आ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या व्लॉग बनाना बंद कर दिया है, तो उनको साफ साफ बता दें कि हमने व्लॉग बनाना बंद नहीं किया है, क्योंकि अंकिता के बीच में मेरे इंटरनेट चल रहे थे, और वो जो संडे डांस वीडियो का भी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब तक मेरे एग्जाम खत्म नहीं होते वो डांस वीडियोस नहीं आएंगी, तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसको भी, हर संडे या सैटरडे जब भी बनेगा उसको वो भी लेके आएंगे। और व्लॉग्स बनाना बंद नहीं किया है इंटरनेट के चक्कर में, हम उसे एडिट नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर, अब आपको डेली व्लॉग्स दिखेंगे। वैसे आज है वेंसडे, आपको जैसे पता ही रहता है कि वेंसडे को पापा का रेस्ट रहता है, और उस दिन हमारे सारे ऑफिशियल मतलब जितने काम होते हैं हफ्ते भर के सब उसी दिन होते हैं। तो आज सुबह मैं गई थी डेंटिस्ट के पास, हर्षित गया था RTO ऑफिस अपना लाइसेंस को रियल लाइसेंस बनाने, जो लर्निंग के बाद वाला बनता है, और वो पास हो गया है, वो लाइसेंस पे पास हो गया है। पहले ग्राफिक वाली चलाई जो स्क्रीन में चलाते हैं वो वाली उसने चलाई, दोबारा रियल वाली कार चलाई, तो उसके बाद वो पास हो गया, तो उसका रियल लाइसेंस बन चुका है। कांग्रेचुलेशंस, वो पास हो चुका है, उसका रियल लाइसेंस बन गया, उसको कांग्रेचुलेशंस। वरना मोस्टली तो ऐसी होता है ना, कोई लोग होता है नहीं होता है, पास नहीं हो पाता लास्ट चांस देके, पर उसका ऑफिशियली पास हो गया। और मैं गई थी डेंटिस्ट के पास, जो डेंटिस्ट ने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे मेरे दांत तोड़ने पड़ेंगे,
तो आज जो जिनके पास मैं गई थी उनने मुझे रिकमेंड किया कि आप अपने दांत तुड़वा लीजिए पीछे वाले, और तो कल मैं जाऊंगी डेंटिस्ट के पास दांत तुड़वाने। आज बस मैं उन्हें दिखाने गई थी, मैं तो सोच रही थी वही तोड़ देती, तो उन्हें तोड़े नहीं, उन्होंने मुझे डॉक्टर रिफर किया कि आप इनसे तुड़वाओ। तो मैंने कल जाऊंगी और उनसे अपने दांत तुड़वा के लाऊंगी। तो देख रहा कल का ब्लॉग पूरा देखना, क्योंकि उसमें मैं अपने दांत तोड़ने वाली हूँ। कैसे टूटते हैं, क्या टूटते हैं, कितना पेन होने वाला है, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कितना पेन होगा। मम्मी कह रही थी बहुत पेन होता है। नहीं नहीं, दांत तोड़ने में पेन नहीं होता, सिर्फ इंजेक्शन लगाने में पेन होता है। दांत जब ये सुनने हो जाता है ना, पता नहीं चलता कि दांत टूट गया। मैंने भी तोड़ा है दो दांत, मैंने भी, और लेकिन दोनों मैंने मुक्तेश्वर में तोड़ा है दोनों दांत। पता नहीं, मैंने दो दांत मेरे भरे हुए हैं तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं मुझे नहीं खाना, तो नहीं खाना ना, खाओ ना पाले जी। तोड़ कैसे रही है ये? गैस बंद कर देगी सब्जी की। देखो देखो पार्ले जी बिस्कुट तो सबको फेवरेट होता है। सो ऐसा ही हो रहा है, हम लोग ब्लॉग बीच में इसलिए शूट नहीं कर पाए थे, 6 बजे बच्चे जाते हैं उसके बाद खाना, फिर ऐसे काम वाम करने में टाइम निकल जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कंटिन्यू ब्लॉग की, तो फिलहाल आज वाला ब्लॉग तो हम यही समाप्त करेंगे इधर ही आज रात। कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपने दांत तोड़ने जाऊंगी, तोड़ने है ना, तो डॉक्टर बताएगा। कल वाले जो डॉक्टर के पास जाऊंगी वो बताएंगे, फिर अपने दांत तोड़वाएंगे, पूरा बताऊंगी मैं आपको दांत तोड़वाने के टाइम पे क्या करते हैं, कितना पेन होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सब मैं आपको करूँ। मैं ना कैजुअली डर रही हूँ, क्योंकि ना मैंने देखा है जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आज वाला जब मैं गई थी तो उन्होंने कुछ किया मेरे टीथ में, तो मुझे उतना पता नहीं चला। होपफुली कल भी ऐसा ही हो, मुझे कुछ ज्यादा पता ना चले, पर देखो तुड़वाने तो है। तो मम्मी क्या कर रहे हो? मम्मी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। मैं मम्मी को बहुत अच्छी लगती हूँ, मतलब शॉपिंग नहीं, मतलब वो देख रही है, एड टू कार्ट कर देती है, जब उन्हें ज्यादा चीज अच्छी लगती है उनको मंगा लेती है। आपको कौन सा ऑनलाइन ऐप अच्छा लगता है आप प्लीज कमेंट करके बताना। मम्मी आपका फेवरेट कोई ऑनलाइन ऐप है? वैसे मम्मी सबसे मंगाती हूँ जो उनको जहाँ अच्छा दिखता है। फ्लिपकार्ट ऑल टाइम बेस्ट है, उनको जो चीज मंगवाना होता है वो बेस्ट। हर्षित का जोमेटो आज तक अभी नहीं मंगाया आपका? वो कह रहा है मेरा ऑनलाइन बेस्ट ऐप है जोमेटो, बहुत सुंदर है, मंगा दो। मुझे पिंक अच्छा लगता है, मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। देखो हमारे वॉल का कलर भी पिंक है, मुझे ये बेबी पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पिंक लड़कियों का कलर कैजुअली पिंक अच्छे लगता है बोलते हैं, मुझे पिंक ब्लू, ये तो मेरे ट्यूशन वाले बच्चों को ही पता है, मुझे ब्लू कलर और पिंक कलर बहुत पसंद है, एक मुझे ग्रीन कलर भी बहुत पसंद है। सो अब हमारा खाना हो चुका है, आज हम बहुत थक चुके हैं, अब हम खाने के बाद सीधे सोने जा रहे हैं। होपफुली आपको हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।